नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊंगा मनु बंगल तो मैं अपना गाड़ी भी नहीं इनका फोटो भी बेलाइनो हम भाई ऑनरेबल सीएम पूर्णचंद्र जमतिया ऑनरेबल ईएम्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट विश्वकेतु देव वर्मा फॉर्मर मिनिस्टर मेवा कुमार जमतिया सीईओ टीटीएडीसी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी सीके जमतिया चेयरमैन ऑफ द ग्रामीण बैंक एमडी ऑफ महिंद्रा ऑटो ऑफिशियल्स तिपरा मथा प्रेसिडेंट पू बी के रांखल जोनल प्रेसिडेंट चेयरमैन एमडीसीज मैं सबका नाम नहीं लूंगा लेकिन एवरीबडी आज जो ये तिपरा हम जो ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूं और मैंने 3 साल में जो सीखा है आज मेरा उम्र 47 हो गया है, आई एम 47 ईयर्स ओल्ड, और जो 3 साल में मैंने सीखा है मैंने पूरा जिंदगी में नहीं सीखा। 3 साल पहले मुझे लगता था कि एडीसी तिपरा साहब को कुछ देगा, मुझे लगता था कि खुमुलुंग से हम लोग तिपरा साहब का भविष्य को ठीक कर सकते हैं। जिंदगी ने मुझे बहुत चीज सिखाया है। एक चीज सिखाया है कि जो आप करना चाहते हो, जो आपके दिल के अंदर है और आप क्या कर सकते हो, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मैंने ये तिपराहाम आपको इसलिए दिया क्योंकि जब मैं बजट को देखता हूं, जब मैं एडीसी का फाइनेंशियल कंडीशन देखता हूं, तो मैं जानता हूं कि आपको हर महीना आपको नौकरी देकर हर महीना सैलरी देना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपको कुछ बिजनेस शुरू करना है, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, अगर आपको दुकान खोलना है, अगर आपको पैसेंजर व्हीकल चाहिए, ऑटो चाहिए, कहीं में रेस्टोरेंट खोलना हो, होम स्टे खोलना हो, तो उसमें एक पॉलिसी लाकर आपको मैं हेल्प कर सकता हूं। आज के दिन एडीसी में 40 से थोड़ा ज्यादा डिपार्टमेंट्स है, 40 प्लस डिपार्टमेंट्स है, एम्प्लॉइज है 13,900। हर महीना सैलरी देते देते 32 से 35 करोड़ रुपया चला जाता है। सैलरी देने के बाद डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसा नहीं रहता। नए लोग जो नौकरी मांग रहे हैं, जो क्वालिफाइड है, जो बीए पास है, एमए पास है, जिनको आज बैंगलोर, दिल्ली, अगरतला, हैदराबाद, पुणे में
बीए पास करने के बाद, एमए पास करने के बाद 15,000 रुपए में नौकरी करना पड़ रहा है, जो आज बेरोजगार है, उनको मैं नौकरी तो दे सकता हूं, उनका सैलरी पे नहीं कर सकता। 3 साल पहले जब मैं जीता था इलेक्शन, हम लोग जीते थे, हमको लगता था कि हम सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। आज मैं बुबागरा हूं ना, पॉलिटिशियन नहीं हूं, आपको झूठ नहीं बोल सकता। सिस्टम हम लोग के खिलाफ है, सिर्फ यहां में नहीं, पूरे स्टेट में, सिर्फ तिपरासा के खिलाफ नहीं, सबके खिलाफ, हर गरीब के खिलाफ जिसको अच्छा जिंदगी चाहिए, हर क्वालिफाइड लड़का लड़की यूथ के खिलाफ, बंगाली हो, तिपरासा हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, उनके खिलाफ। एक सिस्टम हमने, मेरे पास आया है, जो सिस्टम 25 साल में बिना इंटरव्यू करके, बिना एग्जाम देकर आपने कोई पार्टी को वोट दिया है तो आपको नौकरी मिल गया। आज उन्हीं के बच्चे लोग जो क्लास 8 पास है लेकिन जिनका सैलरी 1 लाख रुपया है, आज उन्हीं का बच्चा लोग बीए पास है, एमए पास है, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रहा, क्योंकि उनके मां बाप ने उनका पोजीशन दे के रखा। तब मुझे लगा कि तिपराहाम जैसा स्कीम शुरू करें, जहां में टीटीएडीसी कुछ सब्सिडी आपको दे, आप लोग भी अपने तरफ से थोड़ा पैसा लगाए, और ग्रामीण बैंक कम रेट में, इंटरेस्ट रेट में आपको लोन दे। उसके बाद बात आया कि पेट्रोल से करे या इलेक्ट्रिक करे। आज देश में पूरा हिंदुस्तान इलेक्ट्रिक के पास जा रहा है, पूरा दुनिया जा रहा है। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको रोज पेट्रोल का, डीजल का खर्चा ना करना पड़े, इसके लिए आपको ई ऑटोस दिया गया। चार्जिंग पॉइंट्स आपके घर में दिया जाएगा। यहां में महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमडी हैं, मैंने आपको रिक्वेस्ट किया है कि आप हर जोनल में चार्जिंग पॉइंट्स लगाए, और भी 2-3 जगह में जहां में हमारा पेट्रोल पंप है वहां में चार्जिंग पॉइंट्स लगाए। मैं चाहता हूं कि इससे आपका इनकम बढ़े, इससे आपका आमदनी बढ़े। हां, ये फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ये सही रास्ते में एक कदम है। आने वाले दिन में मैं यही स्कीम, जो हमारा गांव में तिपरासा लोग हैं, जो सब्जी बेचता है, जो अनाज बेचता है, वो गांव से मार्केट आने तक उनका पैसा चला जाता है। रात में मार्केट बंद हो रहा तो कम दाम में वही सब्जी हम लोग बेच देता है। उसके लिए भी, कैरिंग व्हीकल्स के लिए भी मैंने रिक्वेस्ट किया है कि नेक्स्ट लॉ तिपराहाम में हम लोग कैरिंग व्हीकल्स भी लाए, स्पेशली जो ओमपी से है, जो गोमती से है, जो ढलाई से है, जो गांव से है, जो गांव से शहर आकर अपना अनाज बेचता है, सब्जी बेचता है, उनके लिए भी एक पैसेंजर कैरिंग व्हीकल होना चाहिए, और यही चीज हम लोग करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एक पॉलिसी निकाला गया है कि एडीसी में आज हम लोगों का ईएम, एमडीसी, इनका पेट्रोल का बिल ही 50,000-60,000 जाता है। अगर इतना पैसा खर्च करना है पेट्रोल में, तो हम लोग भी क्यों नहीं ई व्हीकल्स इस्तेमाल करें।
जो पैसा बचेगा वो पैसे से आप डेवलपमेंट करो, वो पैसे से आप स्कॉलरशिप अपने यूथ को दो। पैसा को बर्बाद करने से नुकसान हमारा दफा कई। मैं अपने दिल से आपको बोलना चाहता हूं, आई एम ट्राइंग टू चेंज द सिस्टम, लेकिन ये कमबख्त सिस्टम बदलने ही नहीं चाहता। एंड आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर सपोर्ट। अगर त्रिपुरासा को, त्रिपुरा को, बंगाली हो, ट्राइबल हो, त्रिपुरासा हो, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम हो, मणिपुरी हो, कोई भी हो, अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको अपॉर्चुनिटी चाहिए, हमको चांस चाहिए। अगर कोई यूथ यूपीएससी एग्जाम देना चाहता है तो उनको अपने भाषा में एग्जाम देने का राइट होना चाहिए। अगर किसी लॉ ऑफिसर को, अगर किसी को लीगल टीम में लॉयर बनना है तो उनको अपने लैंग्वेज में या अपने चॉइस ऑफ लैंग्वेज में एग्जाम देने का अधिकार होना चाहिए। यह त्रिपुरा और आसाम में नहीं। और करप्शन, करप्शन को एक आदमी नहीं हटा सकता। जब तक आप लोग नेता से डर के रहेंगे, जब तक आप लोग हिम्मत नहीं उठाएंगे, सिर्फ बुबागरा बचाओ हमको बोलने से नहीं होगा, आपको खुद भी उठना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू, आपको खुद उठना पड़ेगा। ये सिर्फ मेरा जिम्मेवारी नहीं है। मैं पब्लिक लाइफ में नाम कमाने के लिए आया, पैसे कमाने के लिए नहीं आया। लेकिन मैंने देखा है मेरा नाम को सामने रख के, मेरे नाम में आराम से कुछ कुछ लीडर्स लोग ने बहुत कमा लिया। तो मेरे पास भी एक सवाल है, अगर मेरा नाम को खराब करके कोई और पैसा बना रहा है, या फिर कोई कर्मचारी जो आज महाराजा के सामने बोलता है बुबागरा आई क्लॉकथोंग, लेकिन दिल से आज भी महाराजा का नाम को गिराकर वो पुराना पार्टी को उठाना चाहता है, मेरा नाम को खराब करना चाहता है, तो फिर ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे घर चाहिए, ना मुझे नौकरी चाहिए, मैं छोड़ देता हूं। आप लोग चलाइए, लेकिन हर चीज का लिमिट होता है, हर चीज का लिमिट होता है। दिल्ली में बात करना है अमित शाह से, बुबागरा बात करो। ब्रू अकाउंट में बुबागरा बात करो। त्रिपुरासा अकाउंट साइन किया, बुबागरा बात करो। अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, बुबागरा बात करो। एनएलएफटी एटीटीएफ, बुबागरा बात करो। यहां में विजय रांखोल है, 1988 में टीएनवी अकाउंट हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संग कोई भी अग्रीमेंट नहीं हुआ टिल 2020। चार साल में तीन तीन अग्रीमेंट मैं करके आया हूं। मैं जानता हूं कितना कष्ट होता है, कितना प्रॉब्लम आता है। मुझे क्या मिला, क्या मिला मुझे? तो
रिक्वेस्टिंग आज इस मंच से, क्योंकि यहां में आप लोग हैं, अगर सब लोग बोलते हैं अगर त्रिपुरा में हवा क्या चल रहा है, आप अगरतला पहुंचो, आप ऑटो में बैठो, आपको मालूम पड़ जाएगा त्रिपुरा में क्या हवा है। ऑटो ड्राइवर सब जानता है, उसके पास सबका खबर है कि नहीं। आपको भी मेरा बात अपने गांव में ले जाना है, आपको सब मालूम है कौन किसके घर में जा रहा है, कौन किसके संग मोबाइल में बात कर रहा है, कौन किसका क्या न्याय है, किसका क्या क्या नीति है, आपको सब मालूम है। लेकिन आप लोग एक बात समझ लो, जिस दिन आपका बुबागरा गया ना, आपको देखने वाला कोई नहीं होगा, सब अपना बारे सोच रहा है। मैं आपके बारे सोच रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपके बारे सोच रहा हूं। आई अर्ज द सीओ सी के जमातिया जी, योर ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, यहां में आईएसबीटी है, प्लीज ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कीजिए। हमारे एम्प्लॉयज जो अगरतला से यहां आते हैं, खुद का बस होना चाहिए, यहां से जम्पू जला, टाकर जला, गोमती, विश्रामगंज हम लोग का बस जाना चाहिए। हम लोग ने फाइल साइन किया सी के बाबू, 5 महीना हो गया, आप बहुत ट्राई करते हैं, आपके नीचे आपका ऑफिसर आपका बात नहीं सुनता। मैं बोलता हूं, मेरे नीचे मेरा बात नहीं सुनता, प्लीज कुछ कीजिए, वरना ट्रांसफर कीजिए इन लोगों को, हटाइए इनको। पॉलिटिकल लीडर्स 5 साल में आप लोग वोट करते हैं, आप लोग निकाल देते हैं, हां कि नहीं। जो लोग 25 साल से यहां में काम कर रहे हैं, आईएनपीटी के टाइम काम किया, आईपीएफटी के टाइम काम किया, सीपीएम के टाइम काम किया, मोथा के टाइम काम किया, कल बीजेपी आएगा, कांग्रेस आएगा, उनके टाइम भी काम करेंगे, लोग वही रहेंगे, गाली हमको सुनना पड़ता है, गलती उनका होता है, नाम हमारा खराब होता है। तो अगर मरना है, गिरना है, तो गिरो, लेकिन असली को पकड़ो और उनको अकाउंटेबिलिटी लाओ। आई एम टायर्ड दैट मैं जब चाहता हूं कि कुछ हुआ, आप निकालो सामने, कोई निकालता नहीं। एक कागज मांगता हूं तो 3 महीना लगता है कागज मिलने के लिए। दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही काला है। माय ग्रामीण बैंक द चेयरमैन इज हियर, आई अर्ज यू, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी योजना में स्टार्ट किया है कि कोई भी अगर अपना खुद भी बिजनेस शुरू करे, होम स्टे शुरू करे, तो 30% सब्सिडी मिलता है आपको। अगर आप कोई रेस्टोरेंट खोलता है, आपने 9 लाख लगाया, 3 लाख गवर्नमेंट देगा, यह बात आपको मालूम है? नहीं मालूम है ना, ये एक स्कीम है, किसी ने आपको जानकारी दिया? यह भी बुबागरा का काम है। अगर आपने कोई भी बिजनेस शुरू किया, इंडस्ट्री शुरू किया, वीसा बनाने के लिए, रिग्नाई बनाने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 30% सब्सिडी देता है। इसके लिए यहां में वृक्ष केतु है, मैंने इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से, टीआईडीसी से एमओयू साइन करने का बात किया है कि अब से अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम के अंदर, उन्नति स्कीम के अंदर, उन्नति आप लोग लिख लो, उन्नति स्कीम के अंदर अगर आप लोग अप्लाई करता है, तो आप को 30% सब्सिडी मिलेगा। लोन तो मिलेगा, लोन आपको
चुकाना पड़ेगा, लेकिन 30% सब्सिडी भी मिलेगा। आज के दिन अगर हमको अपने आप को उठाना है तो सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड मत करो, ये जो स्कीम निकला है वो स्कीम का भी आप इस्तेमाल करो। यहां में महिंद्रा एंड महिंद्रा का एमडी है, आई वॉन्ट टू थैंक यू, जो ओनर है, मैंने आनंद महिंद्रा से खुद बात किया। आप आनंद महिंद्रा को जानते हैं? वो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का मालिक है। उसने मुझे बोला कि महाराज आप हरिद्वार में उनका फैक्ट्री है, यहां से 3 बोरी को आप या 4 बोरी को आप लोग हरिद्वार लाओ, हम लोग देखभाल करेगा और हम अपना हमारा एमडी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का एमडी अपने हाथ से चाबी इन लोगों को देगा और वो उसको ट्वीट भी करेगा। जब हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी रतन टाटा, आनंद महिंद्रा, बजाज, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग में हैं, ये बात लिखेगा कि हम त्रिपुरा के एक गरीब जनजाति बुरुई को हमने एक चाबी दिया, एक ऑटो दिया, त्रिपुरा का भी मैप पूरे नेशनल उसमें आता है, इंटरनेशनल भी आता है। मैं चाहता हूं कि हमारा लोग उठे, मैं चाहता हूं कि, क्योंकि अगर आप हैं तो मैं हूं, अगर आप नहीं है तो मैं भी नहीं, लेकिन ये मेरा थिंकिंग है, ये थिंकिंग सब लोग के पास नहीं। मैंने आज चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा है टू हेल्प मी क्लीन द सिस्टम। चीफ मिनिस्टर इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द होल स्टेट ऑफ त्रिपुरा, एडीसीपी त्रिपुरा के अंदर है। और मैं अपने तिपरासा लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं, आई लव माई तिपरासा पीपल। प्रॉब्लम क्या है? तिपरासा पीपल डोंट लव तिपरासा पीपल। आप मुझसे प्यार करते हो, करते हो कि नहीं? लेकिन आप अपने भाई से प्यार नहीं करते। आपके लिए मैं बुबागरा हूं, लेकिन अपना भाई के लिए आपका कॉम्पिटिशन है। सेना में सोल्जर भाई भाई बन के लड़ता है और त्रिपुरा में तिपरासा अपने आप को वॉरियर बोलता है लेकिन एक संग फाइट करता है। फाइट टुगेदर, डोंट फाइट विथ ईच अदर। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूं, आज आप लोग अपना सर हिलाएगा, मुंडी हिला के बोलेगा हां ठीक ओक्साका बुबागरा, ठीक ओक्साका, रात में गया भूल गया। यहां में जो यंग जनरेशन है थ्रू द मीडिया, मुझे बहुत खराब लगता है, इसके लिए मैं आज अपने तरफ से स्कॉलरशिप अनाउंस करने जा रहा हूं। 50 स्टूडेंट्स जिनको रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आसाम में पढ़ना है, फार्मेसी हो, आर्ट्स हो, मास कम्युनिकेशन हो, जो भी स्ट्रीम है, उनका 50% स्कॉलरशिप हमने बात करके खत्म कर दिया है और भी ऊपर से दे देंगे। अगर आप लोगों को स्कॉलरशिप चाहिए तो आप लोग आकर इस लाइन में जाइए और आप लोग काम कीजिए। एडीसी से अगेन सीके जमाते जी को मैं बोलना चाहता हूं, आप आईएएस ऑफिसर हैं, पर सिर्फ सीके जमाती आईएएस ऑफिसर बनने से नहीं होगा। जो भी तिपरासा स्टूडेंट्स जिनको यूपीएससी, आईपीएस, आईएफएस में अपियर करना है, हम लोगों को अपने तरफ से एटलीस्ट 10-15 लोगों को उनका एजुकेशन के लिए, उनका दिल्ली में जाकर ट्यूशन के लिए,
उनको एक स्टाइपेंड देना चाहिए कि आज अगर ये लोग पास हुआ यूपीएससी तो कल वो लोग ऑफिसर बनेगा और शायद वो लोग ऐसा करप्शन नहीं करेगा जो मैं देख रहा हूं। मैं और एक बात बोलना चाहता हूं पूर्णो, ये वन टाइम रिलैक्समेंट को बंद कर दो और ये जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज है उनको फिर से रीहायर करना, जबकि क्वालिफाइड यूथ जिनको वो क्वालिफाइड है उनका सबसे अच्छा जिंदगी अभी है, 25 साल 24 साल 30 साल, अनएम्प्लॉयड है आज, उनको नौकरी नहीं देके जो रिटायर्ड है उनको वापस रीएम्प्लॉय करके ये सिस्टम को जो हम लोग ने डिसीजन लिया है इसको इंप्लीमेंट करो और रीएम्प्लॉयमेंट बंद करो, नया लोगों को नौकरी दो। जिंदगी में आपको कोई याद नहीं करेगा कि आपने कितने लोगों को काम का एक्सटेंशन दिया, जिंदगी में लोग आपको याद करेगा आपने कितने यंग परिवार को अपना नया जिंदगी बनाने के लिए, अपना फैमिली का जिंदगी बनाने के लिए चांस दिया। राजनीति में, राजनीति का मतलब राजा का नीति, लोगों को जोड़ो अलग मत करो, ये एक्सटेंशन का बिजनेस बंद करो। एक्सटेंशन से एक बात याद आया गणेश, ये फ्लाईओवर यहां में पिछले 2 साल से बन रहा है, ये डेवलपमेंट है, आपका गलती नहीं, पकड़ो और खत्म कराओ वरना इसको हटाओ। नाम मेरा खराब होता है, लोग देखते हैं इसको और मुझे थूकते हैं, मुझे कुछ नहीं मिल रहा यहां से, पकड़ो इन लोग। आई वॉन्ट टू हेल्प यू बट यू हैव टू हेल्प मी और आई विल लीव। अब समय आया है कि मैं स्ट्रांग डिसीजंस लूंगा। डिसीजन नहीं होगा कि वो बंगाली है कि वो टिपरासा है, अच्छा इंसान है और करप्ट इंसान, डिसीजन नहीं है कि वो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन है, गलत इंसान गलत काम करेगा और आपको मुझे हेल्प करना है, सिर्फ जो यहां में नहीं जो मेरे स्पीच को भी सुन रहे हैं। इसके बाद मैं सबसे मिलूंगा, बात भी करूंगा और एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, सोल्यूशन चाहिए। मैंने चीफ मिनिस्टर से बात किया है, मैंने होम सेक्रेटरी से बात किया है, मैंने होम मिनिस्टर से बात किया है 5-6 दिन पहले 125th अमेंडमेंट के लिए, लैंड राइट्स के लिए, लेकिन मैं जितना भी दिल्ली में बात करूं अगर यहां में आपने अपना काम ठीक से नहीं किया तो दिल्ली के लोग भी मेरे ऊपर हंसेंगे। मुझे दिल्ली के सामने नीचा मत करो, मैं जब दिल्ली जाता हूं तो आपका प्रतिनिधि बनके, आपका बुबागरा बनके जाता हूं और जब यहां में आप लोग गलत काम करते हो, झगड़ते हो, एक दूसरे के खिलाफ जलते हो, फेसबुक में उल्टा सीधा लिखते हो तो दिल्ली में मेरे ऊपर वो लोग हंसते हैं और नुकसान मेरा नहीं आपका है। और जिस दिन मैंने छोड़ दिया ना, लीडर अपने आप को कुछ भी बोल दे मैं राइटिंग में लिख के जाऊंगा, अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा उनके साथ। आप सोल्यूशन छोड़ो, अग्रीमेंट छोड़ो, आपको अपॉइंटमेंट उनके पीए के साथ नहीं मिलेगा। वो लोग भी जानते हैं मैं अपने लोगों को प्यार करता हूं, अपने लोगों को कुछ देना चाहता हूं, इसके लिए मुझसे बात कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू थैंक द TTADC, आपको बहुत कष्ट हुआ, मैं जानता हूं कि रात के 12-12 बजे तक
बेनिफिशियरी का काम आप लोग करते रहे। सीके बाबू, आई वॉन्ट टू थैंक यू पर्सनली, योर्स इज द मोस्ट थैंकलेस जॉब, बिकॉज यू कुड हैव इजिली बीन वर्किंग इन अगरतला, यू चोज टू कम हियर टू वर्क एज अ तिपरासा, यू आर फाइटिंग, आई नो इट। ईएम्स कमल, सुहेल, भवरंजन, अनंत, पूर्णो सीएम, जो भी यहां में है, आई वॉन्ट टू थैंक यू। एमडीसीज, आई वॉन्ट टू थैंक यू। बट ऑल्सो कीप वन थिंग इन माइंड, हमेशा महाराज आपके सामने नहीं रहेगा, आपको भी सबका फेस टू फेस करना चाहिए। अगर आप मुझे सच में प्यार करते हो तो मेरे संग रहो, अगर आप मुझे नहीं चाहते हो तो चुपचाप कान में बोल दो, मैं हट जाऊंगा। लेकिन मेरा काम नहीं है यहां मैं अपने लोगों के सामने भीख मांगकर बोलो कि हमारे लोगों के संग इंसाफ करो। जोनल चेयरमैन, कुछ लोग तो काला चश्मा निकाल के फोटो में ही नहीं आता है, मैं भी देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कौन काम कर रहा है सब जोनल में, और मैं देख रहा हूं कौन नेतागिरी कर रहा है। आप जानता नहीं है, आपके जमीन के नीचे से आपका जमीन हिल रहा है, मैं देख सकता हूं। अभी भी टाइम है, लोगों के लिए काम करो। सब जोनल्स ऑफिसर्स, देयर आर मेनी गुड ऑफिसर्स इन टीटीएडीसी, बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं जो दिल लगा के काम करते हैं। मैं 5-6 लोगों के लिए सबका नाम खराब नहीं करना वाला हूं, सब खराब नहीं है, बहुत लोग अच्छे हैं। मैं जानता हूं, मुझसे मिलते हैं, बोलता बुबागरा मैं आपको हेल्प करना चाहता हूं, लेकिन लोग यहां में ये कर रहा है, वहां में ये कर रहा है। आई अर्ज द ऑफिसर्स, आके मुझसे मिलके बोलिए मुझे, कौन है जो हम लोगों का तिपरासा को गरीब रखना चाहता है? कोई बाहर का नहीं है, हम लोगों का खुद का बीच में, स्वार्थी, डोंट फियर। आपका योर पब्लिक सर्वेंट, जॉब ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट इज टू सर्व द पब्लिक, नॉट प्राइवेट पीपल। एंड टू ऑल माय, आप लोग नया आज तिपरा, हम आपको बड़ा लेक्चर दे रहे हैं, दिल के अंदर का बात था, बोलना था, बात आपसे किया है, मैसेज सबको भेजा। लेकिन मैं भी देखूंगा कब तक मेरा बात लोग सुनता है। मैं ये भी जानता हूं बहुत लोग मुझे हटाकर, विजय रांकोल को हटाकर टिपरा मोथा को लेना चाहता है, कर लो, ये राम का देश है, राम भी वनवास के लिए 14 साल चला गया, मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन अयोध्या में राज सिर्फ राम ने किया, किसी और ने नहीं किया, इसके लिए आज भी राम राज्य बोलता है लोग। आई हैव सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग, मैंने लीडर बनाया, मैंने जिताया, मैंने सब किया, और अगर कोई लोगों को लगता है कि मुझे हटाकर और बड़ा बन सकते हैं, बन के करो, मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। लेकिन आप भी समझ लो, मैं भी क्षत्रिय हूं, मैं भी राजा का वंश का हूं, मैं आपको छोड़ सकता हूं, अपने लोगों को छोड़ नहीं सकता। Vijay Rangkol keeps on saying we were zero, we have come up, we'll be zero again,
But we will not betray our people. We will not betray our commitment. I love you. I will always love you. I love you as a father would love his child. I would love you as a Mubagra would love his Tiprasa people. I would love you even if you are anybody. I don't care. I love you even if you're a Bengali, if you're a Tiprasa, if you're a Muslim, you're a Hindu, you're a Christian. I love everyone. And the message should be love. The message should be positivity. The message should be success. The message should be development. The message cannot be only politics every day. Dilip Munda, Jai Johar. आपको वहां से देखा, आई लव यू, जय जौहर. कभी मत लगो कि आप मुंडा है तो आप हमारा नहीं है. बहुत लोग तिपरासा होके भी मेरा नहीं बना, आप मुंडा होके भी मेरा है. ये मिसाल सबके पास जाना चाहिए. यहां में बहुत जर्नलिस्ट है जो मुझे अगरतला में गाली देता है, लेकिन यहां में एक जर्नलिस्ट है पीछे बैठा है, डायबिटिक है, नाम नहीं लेगा, लेकिन जो अगरतला का जर्नलिस्ट है जो मुझे रोज गाली बकता है, वो जानता है ये कौन है. खराब टाइम में जब मैं इनको फोन करता हूं, बोलता कि मैं छोड़ दूं, बोलता नहीं महाराज, आपके लोगों को आपका दरकार है और मैं भी आपका लोग हूं. मैं बंगाली हूं तो क्या हूं, मैं आपका संग. मुझे अभी समझ में आ रहा, मैंने कहा मैं 47 हूं लेकिन मैं सीख रहा आज हूं. सच्चाई क्या है? सच्चाई है गरीब को गरीब रख रहा है और अमीर अमीर एक गैंग बनकर आपको लूट रहा है. बीच में मैं हूं और क्योंकि मैं ना उनके साथ हूं और मैं आपके साथ हूं, तो मुझे भी मेरा नाम खराब करके मुझे भी खत्म करने का साजिश चल रहा है. और जिस दिन मैं गया कोई नहीं रहेगा. One Sukti. I love all of you. God bless you. And I once again thank the TTADC. Purno, aapne bahut hard work kiya. CK Babu, once again. Kamal. CO. You have worked very hard. And I want to say one thing. Even when you are no longer CO, I will have a special place for you in my heart. That much I can tell you. This is from my heart. Belai belai no hambai. Thank you. Kuluka. Thank you.